इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में, दो पॉइंट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम लोग लिख सकते हैं। मींस ये दो पॉइंट्स है मेरे पास ए और बी, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है बेटा, ये इक्वल होगा वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कीपिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। तो ये जो वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज है, इसको हम कहते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बी और ए के दरमियान, वी बी माइनस वी ए, तो डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। कल हमने इस चीज पे बात की थी कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में मूव कराते हैं, मीन जितनी ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है उतनी आप नीचे से ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू दी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और वर्क डन को मैं डेल्टा यू लिख सकता हूँ, डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। तो मेरे पास वी बी माइनस वी ए की वैल्यू आएगी, डेल्टा यू होगी यू बी और माइनस यू ए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो ये बेटा इन नटशेल हमने कल बात की थी। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें, कल हमने देखा था कि ईसीजी को देखा था कि ईसीजी क्या है, कि दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं बॉडी के, उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं, जो हमारे हार्ट की एक्टिविटी को जो है ना वो उससे हम लोग अपनी हार्ट की एक्टिविटी जो है उसे चेक कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास एक और होता है ईईजी, इसमें हम क्या करते हैं कि ब्रेन की एक्टिविटी मेजर करते हैं, यही दो पॉइंट्स के दौरान पोटेंशियल डिफरेंस लेके अगर वेवफॉर्म इस तरह की सिमेट्रिक हो, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं सिमेट्रिक वेवफॉर्म है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो ब्रेन है वो नॉर्मल वर्किंग में है। और अगर ये सिमेट्रिक ना हो, असिमेट्रिक हो, ये हम लगाते हैं जो मुतजाद के हवाले से, एक को सिमेट्रिक कहेंगे दूसरे को असिमेट्रिक कहेंगे, मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये असिमेट्रिक हो तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा दो पॉइंट्स के दौरान बी और ए के दौरान, वी बी माइनस ए बी ए, हमने लिखा डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात की, तो हमने कहा कि ये कोई पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, आप ए से बी पे लेके जा रहे थे चार्ज को, अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज को ऊपर लेके जा रहे थे, इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे थे एफ, और ऊपर से नीचे इसके ऊपर फोर्स लग रही थी इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि क्यू नॉट ई के इक्वल थी, ये अगर क्यू नॉट हो तो। बेटा आपने इन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में मूव करवाना है। जब आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट बी की बात करनी है, तो टेक दिस पॉइंट फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल, यानी किसी खास पॉइंट पे पोटेंशियल, अभी तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, अगर आप किसी खास पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करते हैं फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो बेटा वी विल टेक वन ऑफ दिस पॉइंट टू इंफिनिटी। लेट्स सपोज मैं बी पॉइंट की बात करता हूँ, लेट्स सी, लेट वी वांट टू पॉइंट पोटेंशियल एट पॉइंट सी एट पॉइंट बी, फर्स्ट की हम बी में मालूम करना चाहते हैं, तो क्या करो ए को टेक ए टू इंफिनिटी, ए को इंफिनिटी पे ले जाओ। अगर ए को इंफिनिटी पे ले जाऊंगा, ये वाला जो फार्मूला मैंने लिखा था इसमें लिखूंगा वी बी माइनस वी इंफिनिटी, वी इंफिनिटी वो पॉइंट होगा जहां पर बी की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट नहीं कर रही होगी। तो डब्ल्यू ए बी क्या होगा, इंफिनिटी से बी तक जो आपने वर्क किया चार्ज को मूव करवाने के लिए। तो बेटा ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, अगर बी पॉइंट इंफिनिटी पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर बी की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा। हम नॉर्मल सिंपली से कह सकते हैं वी बी किस क्या होगा, डब्ल्यू इंफिनिटी टू बी ओवर क्यू नॉट, या इन जनरल हम पोटेंशियल की बात करें तो क्या होगा, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। बेटा ये है कल का जो हमने पढ़ा था उसकी रीजन। अगर हम इसका यूनिट देखें पोटेंशियल डिफरेंस का या पोटेंशियल का, तो क्या है W ओवर Q नॉट। W का यूनिट होता है जूल और Q नॉट का होता है कूलम, तो W ओवर
हाँ जोगुलोब रो कूलम को हम लिखते हैं बेटा वोल्ट, वी से लिखते हैं वोल्ट। दिस इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आर पोटेंशियल। फिर हमने यहाँ पे एक और बात भी की थी, हमने यहाँ पे बात की थी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात की थी हमने। अगर आपको याद हो हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक W की वैल्यू है वो अगर हम लोग लिखें, V की वैल्यू क्या है W और Q नॉट, और W की वैल्यू हम A और B के दरमियान मूव करवा रहे थे बेटा, इसे A से B में। ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट थी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। अगर यहाँ से बेटा मैं कोई टेस्ट चार्ज को ऊपर को मूव करवाना चाहूँ, इसके ऊपर मुझे फोर्स लगाने की पड़ेगी एफ, अगर ये और नीचे की तरफ इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी एफ ई। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखते हो, ये शर्त है बेटा, चाहे आप इन्फिनिटी से पॉइंट को चार्ज को किसी खास पॉइंट पे लेके आए या किसी फाइनाइट पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे लेके जाए, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस यू हैव टू मूव द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। मींस जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने उतनी ही फोर्स लगानी है ताकि वो जीरो एक्सेलरेशन से मूव करे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा जब इसे आप नीचे से ऊपर मूव करवा के लेके जाएंगे तो वर्क डन होता क्या है एफ डॉट डी और क्यू नॉट। अब ऊपर कितनी फोर्स लगाएंगे, जितनी ऊपर से नीचे लग रही है, ऊपर से नीचे कितनी लग रही है क्यू नॉट ई। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होता है, कल भी हमने पढ़ा था क्यू नॉट ई के इक्वल होता। तो हमने मैग्नीट्यूड लेनी है, जितनी फोर्स ऊपर कितनी लगानी है, जितनी नीचे लगानी है, और इन दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस डी है तो डी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए 180 होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लग रही है लेकिन आप जो फोर्स लगा रहे हो ये ऊपर को लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो बेटा कॉस 180 माइनस होता है, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस 1 क्यू ई डी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इक्वल्स वी। क्यू नॉट से कैंसिल हो जाए ना बेटा, अब मेरे पास वैल्यू बचेगी इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की, डेल्टा वी की ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू आ गई माइनस ई डी। और जब मैंने ई को लिखा तो ई को क्या लिखा माइनस डेल्टा वी ओवर डी। अब जरूरी तो नहीं है कि मैं चार्ज को ए से बी पे मूव करवा के लेके जाऊं, चार्ज को ए से रस्ते में किसी और पॉइंट तक मूव करवा के लेके जा सकता हूं, या किसी दूसरे पॉइंट पे या किसी तीसरे पॉइंट पे मूव करवा के लेके जा सकता हूं, लिहाजा हर पर डी तो नहीं होगा। तो इन जनरल डी की बजाय मैं लिख लेता हूँ डेल्टा आर, जितना डिस्टेंस मैंने इसे मूव करवाया है। बेटा दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमारे पास आई, ई आया माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, इसे हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम दिया। क्या नाम दिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कि जैसे जैसे उसका पोजीशन चेंज होती आ रही है, डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, तो वैसे वैसे पोटेंशियल किस लिहाज से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव साइन आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं यहां पे लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इसकी इक्वल होगी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये नेगेटिव साइन से क्या मुराद है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, नेगेटिव साइन इज शोइंग दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेना चाहें तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर बेटा मैं ये पॉइंट ए है,
ये पॉइंट बी है और यहाँ कहीं पे पॉइंट सी है। अगर बेटा मैं चार्ज से ए पे आऊं तो ए पे पोटेंशियल होगा वी ए, बी पे वी बी और सी पे वी सी। बेटा जैसे मैं ए से बी पे जाऊंगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा क्योंकि आर बढ़ेगा, और बी से सी पे जाऊंगा पोटेंशियल और कम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब है पोटेंशियल किधर को कम हो रहा है, ए से बी की तरफ और बी से सी की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में, और यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी है। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, तो सो वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही डायरेक्शन होगी। अब बेटा अगर ये इसे क्लियर कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट से क्या मुराद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब अगर हम यहाँ पर इनके यूनिट्स की बात करें तो हम इसे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज आ गई हैं। अगर हम उनकी वैल्यूज को यहाँ पे लिखना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इससे पहले लिखा था, मैं थोड़ा सा ये रेज कर लूँ ताकि हम यहाँ पे लिख सकें। इधर हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल है, बेसिकली जो हमने डिफाइन किया था एफ ई ओवर क्यू नॉट जब हमने शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। यहां से अगर मैं यूनिट्स देखूं, यूनिट्स ऑफ ई यूनिट्स ऑफ ई क्या हो जाएंगे, यूनिट्स ऑफ फोर्स न्यूटन और यूनिट्स ऑफ चार्ज कूलम, न्यूटन पर कूलम। अगर यहां से मैं यूनिट्स देखूं तो यूनिट्स ऑफ ई विल बी इक्वल टू, ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट पर मीटर। अब हमारा ये क्वेश्चन बार बार आता है पेपर में, प्रूव दैट न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। तो बेटा ये कल के लेक्चर में मैंने इसे प्रूव किया था, इसे आप वहां से देख सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, इसे आप साबित करें कि न्यूटन पर कूलम इक्वल है वोल्ट पर मीटर, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स हैं। बेटा ये था कल का लेक्चर, अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने लिखा यहाँ पे कि देयर आर इमेजिनरी सरफेस सराउंडिंग अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसे हम कहते हैं, ये होती क्या है, फर्ज किया ये कोई एक चार्ज है, इस चार्ज के गिर्द मैं मुख्तलिफ स्फीयर्स बना दूं चार्ज को सेंटर पे मानते हुए। These are not the circles, these are spheres. I cannot draw sphere here, so मैं सर्कल से काम चला रहा हूँ, बट ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। अब देखिए बेटा, अगर इस स्फीयर के ऊपर देखें तो जो मुख्तलिफ पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, इन तमाम पॉइंट्स का बेटा इस सेंटर पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। हम सभी जानते हैं कि स्फीयर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा। अगर इनका सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा तो इन पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल भी सेम होगा। पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू ओवर आर, क्यू भी सेम है, आर भी सेम है, के भी सेम है। तो इसका मतलब है अगर ऐसा होगा तो वी ए इक्वल होगा वी बी के, और वी सी के इक्वल होगा, सी तो नहीं लिखा, डी लिखा, सी भी लिखा है, सी है, फिर डी है, इसी तरह ये ई है, इन तमाम पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, ए बी सी डी ई। तो ये तमाम पॉइंट्स के मिल पे जो सी सरफेस बनाएंगे ना बेटा, उसे हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बनाएंगे, यानी ये अंदर वाला जो स्फीयर है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस तरह अगर हम बाहर वाले स्फीयर पे आ जाएं, तो बाहर वाले स्फीयर के ऊपर भी जितने भी पॉइंट्स हैं बेटा उन तमाम पे पोटेंशियल एक जैसा होगा। जो अंदर वाले स्फीयर से तो कम होगा, लेकिन बाहर वाले स्फीयर पे जितना भी होगा सभी पे सेम होगा, एक्स वाई जी एम एन जो भी है। तो ये तमाम का सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, तो लिहाजा इन पे पोटेंशियल सेम होगा। मीन वी एक्स, वी वाई, वी जी, वी एम, V, N,
और दीज आर दी सेम, तो इसका मतलब है कि अंदर वाला स्फीयर भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बाहर वाला स्फीयर भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मींस इस सरफेस के ऊपर मौजूद तमाम पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है। ऐसी सरफेस जिसके ऊपर मौजूद तमाम पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम हो उसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमने इधर लिखा हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका कॉन्सेप्ट देना यहाँ पर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्योंकि हमने आगे जाके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं जो हम लोग मिस अंडरप्रेट करते हैं। अब देखिए तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये उसकी गर्थ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। अब पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ हैं, रेडियली आउटवर्ड हैं, तो मुझे पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग नहीं है बल्कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। और दीज लाइंस आर, अगर आप किसी भी पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन लेना चाहें तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट लेंगे ना बेटा, तो जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पे, टेंजेंट टू सर्कल या टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ द स्फीयर, वो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो किसी भी पॉइंट पे आप लेना चाहें टेंजेंट और रेडियस के दरमियान एंगल लेना चाहें तो क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी जो फील्ड लाइंस हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। अब देखते हैं बेटा, हम शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखा, बुक से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाला। कहता है दी पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन। कहता है कि एक स्पेस, एक रीजन ऑफ स्पेस है उसमें पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल वेरी नहीं कर, तो क्या उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या जीरो नहीं होगी? इसमें होता क्या है कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं और हम कहते हैं कि अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। बेटा ऐसा नहीं है। इनफैक्ट होता क्या है, हम ये कहेंगे कि लेट्स सपोज ये हमारे पास जो अभी हमने एग्जांपल ली, ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, स्फीयर्स हैं इस चार्ज के लिए, दीज आर द स्फीयर्स। अब बेटा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? रेडियली आउटवर्ड, अब बेटा इससे मुराद क्या है? अब अगर मैं कुछ पॉइंट ले लूं ए बी सी डी और ई, बेटा ए बी सी डी और ई पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी सेम, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ए से बी की तरफ नहीं होगी, हमें पता है उसने क्या होना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होना। लेकिन हम कहें कि बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो ये गलत है, हमें पता है कि ए पे भी फील्ड है, बी पे भी फील्ड है, सी पे भी फील्ड है, डी पे भी है, ई पे भी है, एफ पे भी है, लेकिन इस फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है, ना कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग है। इस तरह हम और भी पॉइंट ले सकते हैं एम एन ओ पी क्यू आर, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक को शो कर रहे हैं। अगर ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, बेटा इधर आप क्वेश्चन करते हैं चैट में तो मैं बाद में पढ़ूंगा बेटा, अभी तो इस लेक्चर को खत्म कर रहे हैं, पढ़ता हूँ। तो बेटा these points are making an other equipotential surface, एक और equipotential surface है हमारे पास। तो बेटा potential electric field तो है M N P Q O पे, but उसकी direction इस equipotential surface के along नहीं है। तो हम लोग इस formula को अक्सर गलत interpret करते हैं। तो हम लोग ये लिख देते हैं normally, simply, कि according to this formula when potential is constant, अगर potential constant है it means delta V will be zero, if delta V is zero electric field is zero, ऐसा नहीं है बेटा। हम क्या कहेंगे कि electric field will be zero along, there will be no electric field along equipotential surface, का जो answer हमें लिखना पड़ेगा वो क्या लिखना पड़ेगा, there will be
no electric field there will be no electric field along equipotential surface के अलॉन्ग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलॉन्ग नहीं होगी। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम अक्सर हम लोग गलत लिखते हैं। तो ओके बेटा, एक और हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। इसे अगर हम लोग देखें, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। कहता है कि एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है ना बेटा। इन्हें फॉलो करने से मुराद है कि इफ यू आर फॉलोइंग दीज फील्ड लाइंस, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो इससे मुराद ये है बेटा। ये क्वेश्चन आप लिखते रहे, मैं लेता हूँ आपके क्वेश्चन। बेटा ये अगर मैं कहूँ कि इन फील्ड लाइंस को फॉलो करो तो इसका मतलब है कि आप इस चार्ज से दूर जाएंगे, यही होगा ना, क्योंकि ये फील्ड लाइंस चार्ज से दूर जा रही हैं। इफ यू आर फॉलोइंग दीज फील्ड लाइंस इट मींस यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर इसके ऊपर मैं पॉइंट ए ले लूँ, पॉइंट बी ले लूँ, पॉइंट सी ले लूँ, ए का डिस्टेंस ले लूँ आर ए, बी पॉइंट का डिस्टेंस ले लूँ आर बी, सी पॉइंट का डिस्टेंस ले लूँ आर सी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है बेटा k q over r square, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है सिंपल k q over r। इसके डिनोमिनेटर में r square आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सिंपल r आता है। मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ r। अब दोनों में देखिए बेटा, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इस फील्ड लाइन्स को फॉलो करेंगे, इट मीन्स यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द चार्ज, तो r की वैल्यू बढ़ती जाएगी बेटा। जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा E भी कम होता जाएगा, V भी कम होता जाएगा। अब देखें सवाल कहता है, suppose that you follow an electric field line due to a positive point charge, फर्ज किया कि आप एक positive point charge की electric field lines को follow कर रहे हैं, do electric field increase, electric field and the potential increase or decrease, क्या electric field और electric potential बढ़